केरल राज्य के मल्लापुरम जिले के भारत संचार निगम लिमिटेड यानी BSNL के एक अनुबंधित कर्मचारी ने पिछले 10 महीने से वेतन नहीं मिलने के कारण दफ्तर में फांसी लगाकर कथित रूप से आत्महत्या कर ली। इंडिया टुडे के मुताबिक 52 वर्षीय रामकृष्णन BSNL के नीलांबुर स्थित दफ्तर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। वह BSNL के संविदा कर्मचारी थे। रामकृष्णन वंडूर का रहने वाला था और वह पिछले 30 साल से अंशकालीन सफाई कर्मी के तौर पर काम कर रहा था। रामकृष्णन 3 दशक पहले हाउसकीपिंग स्टाफ के रूप में भारतीय दूरसंचार में शामिल हुए थे। जब BSNL का गठन हुआ तो रामकृष्णन को उसमें शामिल किया गया। श्रमिक संघ के नेताओं ने बताया कि अनुबंधित कर्मचारियों को पिछले 10 महीने से वेतन नहीं मिल रहा था और बीते 130 दिन से वो बकाया वेतन की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे। केरल में BSNL के संविदा कर्मचारी वेतन की मांग को लेकर पिछले कुछ महीनों से विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। कॉन्ट्रैक्ट लेबर यूनियन के अध्यक्ष मोहन ने कर्मचारी की मौत के लिए BSNL और केंद्र सरकार को जिम्मेदार ठहराया है। बता दें कि वित्तीय संकट से जूझ रहे BSNL और MTNL के लिए सरकार ने पिछले महीने 69,000 करोड़ रुपए के पुनरुद्धार पैकेज की घोषणा की थी। इसमें घाटों में चल रही दोनों सरकार दूरसंचार कंपनियों का विलय, उनकी संपत्तियों को बाजार पर चढ़ाना तथा कर्मचारियों को VRS देना शामिल है। इस कदम के मकसद विलय बाद की इकाई को 2 साल में लाभ में लाना है। इसके अलावा हाल ही में BSNL ने अपने कर्मचारियों के लिए स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना यानी VRS पेश की है। कंपनी को उम्मीद है कि इस योजना का लाभ 70,000 से 80,000 कर्मचारी उठाएंगे और इससे वेतन मद में करीब 7,000 करोड़ रुपए की बचत होगी। खबरों के लिए यदि अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।